नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। फ्रेंड्स, जब जियो का सिम लॉन्च किया गया था तो मुकेश अंबानी जी ने बताया था कि वो सभी ऑपरेटर से 20% सस्ते प्लान आपको देंगे, लेकिन अब एयरटेल क्या कर रहा है, जितने भी जियो के प्लान है उन सभी प्लान्स को देखते हुए अपने प्लान्स को रिवाइज कर रहा है। पहले जो एयरटेल का चल रहा था 349 रुपए वाला प्लान, उसमें आपको पर डे 1 GB डेटा मिल रहा था, लेकिन एयरटेल ने उसको रिवाइज किया, फिर उसमें कर दिया 1.5 GB पर डे डाटा, उसके बाद में फिर से रिवाइज किया और एयरटेल के अब 349 वाले प्लान में आपको मिल रहा है 2 GB डेटा पर डे करके। लेकिन एयरटेल ने जो जियो का 799 वाला प्लान चल रहा है, जिसमें आपको 3 GB डेटा पर डे मिलता है, उसको देखते हुए अपना एक और प्लान यहां पर रिवाइज कर दिया है और अब आपको उसमें 3 GB से भी ज्यादा डेटा मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि एयरटेल की तरफ से जो प्लान रिवाइज किया गया है उसमें आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, साथ में उसका प्राइस कितना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जियो की तरफ से दिया जा रहा था 799 वाला प्लान, जिसमें आपको 3 GB डेटा पर डे मिलता था और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलती थी, साथ में 28 डेज की वैलिडिटी उस प्लान में आपको मिलती थी। तो एयरटेल की तरफ से भी 799 वाला प्लान दिया जा रहा था, उसमें भी आपको 3 GB डेटा ही मिलता था और 28 डेज की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब एयरटेल ने उस प्लान को रिवाइज कर दिया, लेकिन अब आपको उस प्लान में 3 GB नहीं, अब आपको 3.5 GB डेटा पर डे मिलने वाला है और वैलिडिटी जो रहने वाली है वो आपकी 28 डेज की ही रहने वाली है। अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलेंगे आपको, किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई डेली लिमिटेशन नहीं है। अगर SMS की बात की जाए तो आपको 100 SMS डेली मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो जियो का प्लान है उसमें आपको जो है डेली लिमिटेशन के बाद भी अनलिमिटेड डेटा मिलता है 128 KBPS की स्पीड से, लेकिन जो यहाँ पर एयरटेल का प्लान है उसमें आपको जो डेली लिमिट दी गई है 3.5 GB की, उसके बाद में आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा, उसके बाद में आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो जियो का प्लान है उसमें आपको जो टोटल हाई स्पीड डाटा मिलता है वो 84 GB डाटा मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर एयरटेल का प्लान फिलहाल बन रहा है 799 वाला, उसमें जो हाई स्पीड डाटा आपको मिल रहा है वो 98 GB मिल रहा है। तो यहाँ पर एयरटेल का जो प्लान है वो उन यूजर्स के लिए तो काफी अच्छा निकला है जो यहाँ पर ज्यादा डाटा यूज करते हैं, लेकिन जियो का प्लान भी काफी अच्छा है क्योंकि जियो की तरफ से दिया जा रहा है 509 रुपए वाला प्लान, उसमें आपको 2 GB डाटा मिलता है पर डे और 49 डेज का वैलिडिटी मिलता है, साथ में अनलिमिटेड डेटा भी आप यूज कर सकते हैं 2 GB के बाद में भी 128 KBPS की स्पीड से। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 799 वाला प्लान देखा जाए और 509 रुपए वाला प्लान देखा जाए, तो जो 509 रुपए वाला प्लान है उसमें आपकी जो पर जीबी कॉस्ट है वो काफी कम पड़ती है, लेकिन जो यहाँ पर 799 वाला प्लान है उसमें आपकी वैलिडिटी काफी कम है, इसलिए आपकी जो डाटा कॉस्ट है वो वहां पर ज्यादा पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये था एयरटेल का 799 वाला प्लान जो आज रिवाइज किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।